बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, जो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करते थे, तो आज हम उसका करने जा रहे हैं। सवाल 1 है और उसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, बल्कि अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू माइनस सॉरी इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो है वहाँ से हम एक सी की वैल्यू लेके हम इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में देखिए ए की वैल्यू जो है हमारे पास क्या बन गया अंडर रूट 3 और बी की वैल्यू, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अंडर रूट 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स है और ये इधर आएगा तो माइनस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से एक जगह पे जो है ए है अंडर रूट 3 है तो ए की वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगी और बी की जगह पे 1 है तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बी, तो सी जो है ये बन जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो अब हमारा फार्मूला क्या है, बाय यूजिंग फार्मूला बाय फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अवर क्या है 2a। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस इंटू बी क्या है 1 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, a है हमारे पास अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और बी क्या है सी क्या है हमारे पास माइनस 4 अंडर रूट 3। तो ये हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू यहाँ पे ए की जगह पे अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो लिखते हैं माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस जो है ये इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 4 कितना होगा 4 के साथ तो ये बन जाएगा 16 और ये क्या बनेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट 3 कितना है अंडर रूट 3, 4 कितना होगा 4 16 हो गया अंडर रूट 3 कितना है अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर बन जाएगा अगर क्या हमारे पास 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा 1 और प्लस 16 इंटू देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 और क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 है। तो आप इसमें माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस जो है ये 48 बन जाएगा और 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 48 जो है ये बन जाएगा 49 और 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसको मजीद सिंपल करते हैं, ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 7 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा और 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए x की दो वैल्यूज बन गई, x इक्वल टू है हमारे पास माइनस 1 प्लस 7 और 2 अंडर रूट 3 और x इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 7 सॉरी अंडर रूट नहीं है माइनस 7 और 2 अंडर रूट 3। तो अब इनको सिंपल करते हैं तो 8x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 6 अगर 2 अंडर रूट 3 आ जाए और यहाँ पे देखिए ये बनेगा माइनस 8 अवर 2 अंडर रूट 3। इसको मजीद सिंपल करते हैं यहाँ पे आएगा 2 3 तो इसकी वैल्यू जो है बनेगी 3 अवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे 2 ये बन जाएगा माइनस 4 अवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो उसके बाद देखिए ये तो हमारा सिंपल हो चुका है, इसको मजीद सिंपल करता है कैसे करता है हम ये कि देखिए 3 जो है इसको हम इससे कम में लिख सकते हैं,
थ्री है, इसको हम देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ थ्री मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो देखिए अंडर रूट थ्री का स्क्वायर बनेगा, थ्री से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो भी थ्री ही बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो एक स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनाया वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और दूसरी वैल्यू जो है फोर अवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आ जाएगा। तो ये है हमारा सॉल्यूशन सेट। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जो फोर्थ पार्ट है वो सिंपल है, वो आप नोट करेंगे, फिफ्थ भी आप नोट करेंगे, छठा जो है वो भी नोट करेंगे, और सातवां आठवां जो है और नौवां जी सातवां आठवां जो है उसमें से मैं एक आपको सिर्फ बना के दे देता हूँ कि कैसे उसको हल करना है, बाकी आप ऑटोमेटिक फार्मूला की मदद से उसको हल कर लेंगे। तो सवाल है हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सेवन पॉइंट ये है थ्री अवर एक्स माइनस सिक्स माइनस फोर अवर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन। ये देखिए इसको पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला सवाल कर रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव आ जाएगा, ये इस तरह डिवाइड होगा, तो यहाँ पे x माइनस सिक्स कैंसिल होगा, बाकी बचेगा एक्स माइनस फाइव, तो थ्री मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस फाइव के साथ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके बाद x माइनस फाइव कैंसिल होगा, x माइनस सिक्स डिवाइड फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन। अब ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन, यहाँ पे माइनस फोर एक्स और प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव। तो 3x माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाइव और प्लस नाइन आ जाएगा, प्लस नाइन आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और माइनस फाइव एक्स और प्लस जो है आ जाएगा थर्टी। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अलेवन एक्स और प्लस जो है थर्टी आ जाएगा, इन सबको आज उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अलेवन एक्स, ये आ जाएगा प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस थर्टी, ये आ जाएगा माइनस नाइन। तो ये मैंने क्यों लिखा, इसको इधर क्यों लिया, इनको क्यों नहीं लिया, देखिए अगर इनको उठा के इधर लिया तो एक्स स्क्वायर जो वो माइनस हो जाना था, इस ये हमें चाहिए पॉजिटिव, अगर माइनस हो भी जाए तो भी कोई मसला नहीं है, सवाल हल हो जाता है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम इसको प्लस रखें। तो यहाँ पे इसको सीधा करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस टेन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस टेन और सी इज इक्वल टू जो है वो बन जाएगा ट्वेंटी वन।